वेलकम फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 जून को हमने क्या ट्रेड किया और उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो सब हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे आज का मार्केट देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट देख सकते हो, ज़्यादा कुछ गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुआ और जैसे ही प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे ब्रेक किया और वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो वन साइड मूवमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक हैमर बना के थोड़ा अप गया और फिर यहाँ पे डाउन आया और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर ही चलता चला गया, एक देख सकते हो यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक साइडवेज की रेंज में फंस गया और फिर से यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके फिर से बुलिश टू साइडवेज में फंस गया और जैसे ही ये यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस डे हाई के आसपास जाके, करंट डे हाई के आसपास जाके इसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये देखो वन साइड मूवमेंट यहाँ पे हमको मिल गई। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यम स्टॉक में अभी हम जाके देखेंगे कि हमारा आज ट्रेडिंग में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो कल का आपको पता होगा, कल हमारा 500 to 600 के आसपास हमारा लॉस था। तो आज देखते हैं, हम सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 18 ट्रेड्स हमारे एग्जीक्यूटेड हुए हैं, इसका मतलब है हमने यहाँ पे 9 ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आज भी ओवर ट्रेडिंग हो गई है और इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आज भी लॉस हो चुका है। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया। यहाँ पे देख सकते हो जब मार्केट गिर रहा था तभी हम यहाँ पे कॉल साइड यहाँ पे देख रहे थे कि कुछ मिलता है क्या नहीं। और चलिए देखते हैं आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। कल यहाँ पे हमने 7 ट्रेड ली थी, मतलब यहाँ पे 14 ट्रेड एग्जीक्यूट दिखा रहा था और आज तो उससे ज़्यादा ही हमने ट्रेड ले लिए है। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। इतनी ट्रेड्स देखकर आपको यही लग रहा होगा कि लॉस हुआ है और थोड़ा बहुत लॉस ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन में जाके 5 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मॉर्निंग में ये 112 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हो गया था जो मार्केट नीचे आ रहा था और तब हम यहाँ पे कॉल बाई कर रहे थे और उसके बाद हमारा SL हिट हो रहा था। तो तभी उसी टाइम यहाँ पे हमारा लॉस हो गया और जैसे ही थोड़ी देर भी मार्केट घुमा तो हमारा कॉल में यहाँ पे पैसा बनना स्टार्ट हो गया और जैसे ही हमारा ब्रेक इवन पे आया तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर दी। तो आज बस लगेगा तो सिर्फ ब्रोकरेज ही लगेगा 40-50 रुपीज़ के आसपास टोटल सारे ट्रेड्स का और इतना ही हमारा लॉस होगा। तो आज की हमारी क्या गलती है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। आज की गलती सिर्फ हमारी एक ही है कि हमने ओवर ट्रेडिंग कर दिया, लेकिन बाकी कुछ यहाँ पे हमने हमारा बड़ा लॉस आज क्यों नहीं हुआ कल जैसा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर SL मेंटेन किया, मतलब जो हमारा SL था उस पे हम यहाँ पे स्टिक रहे और जैसे ही हमारा SL होता था हम फट से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते थे। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको गैप लेना चाहिए एक बार SL हो जाए या फिर टारगेट होने के बाद। तो यही आज की लर्निंग है। तो अगर आपको ऐसी लर्निंग छोटी छोटी हर रोज़ चाहिए और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जाननी होगी, लाइव ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।